दोस्तों, आपने कुछ ऐसी घटनाएं जरूर सुनी होंगी कि कोई इंसान मौत के कुछ घंटे बाद फिर से जिंदा हो गया, और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। तो आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मौत के 7 घंटे बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। यह घटना 85 वर्ष के बुजुर्ग के साथ घटित हुई थी, जब वो मौत के 7 घंटे बाद जीवित हो गए और खुद को यमराज से ही नहीं बल्कि अन्य आत्माओं से मिलने का दावा करने लगे। दोस्तों, आज इस घटना का अंत सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले 85 साल के राम विलास की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी। इस पुरुष की मृत्यु के बाद आसपास के लोगों की भीड़ राम विलास के घर पर जमा हो गई। इनके कुछ रिश्तेदार शहर में ही रहते थे, इसलिए इस पुरुष के शरीर को बर्फ पर भी रख दिया गया था। सभी राम विलास जी को शमशान में ले जाने की तैयारी करने लगे। अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। करीब 7 घंटे बीत चुके थे। जैसे ही पुरुष को शमशान ले जाने के लिए उठाया गया, तभी अचानक से राम विलास का शरीर हिलने लगा। वे बोलने लगे, उनके शरीर में जान आ चुकी थी। दोस्तों, राम विलास जी के अंतिम संस्कार के लिए जो लोग पहुंचे थे, जब उन्होंने यह देखा तो बहुत घबरा गए थे और वहाँ भगदड़ मच गई, और देखते ही देखते वहाँ के लोग कम होने लगे। सब सोचने लगे कि शायद राम विलास जी के अंदर कोई भूत आ चुका है। बुजुर्ग के मर जाने के बाद दोबारा जिंदा होने की बात से सभी आसपास के लोग अब तक हैरान हैं। साथ ही वो सभी इस बात के गवाह भी हैं कि यह पुरुष मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हुआ। उनके घर वालों ने बताया कि राम विलास की मौत अचानक हुई थी और उनको डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था। राम विलास जी बताते हैं कि कैसे 4 लोग एक बड़ी रस्सी लेकर आए हुए थे, जिनमें से एक आदमी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। ये सभी उनको यमलोक लेकर गए। वहाँ एक आदमी सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था, जिसने उसका लेखा जोखा भी देखा, और उस आदमी ने बोला कि अभी इनका समय पूरा नहीं हुआ है। उसने बताया कि अभी इनकी 4 वर्ष की उम्र शेष है। राम विलास जी बताते हैं कि कैसे वहाँ एक तरफ आत्माएं खड़ी हुई थी, और साथ ही ऋषि कपूर, सुशांत सिंह और ऐसे ही कई लोगों की आत्माएं उन्होंने देखी। दोस्तों, इस तरह से दुनिया भर में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिन लोगों के साथ यह सब सच में घटित होता है, बस वही इस बात की सच्चाई का प्रमाण होते हैं। फिर लगभग 7 घंटों के बाद यमराज के दूत यहाँ पर फिर उन्हें छोड़ने आए थे। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटित हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।